चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम मशीनों को वहां पर रखा गया है और स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। जानकारी के मुताबिक स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो लगाई गई। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर आर के सिंह और सिरसा के एसडीएम राजेंद्र कुमार ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए ये दावा किया कि स्ट्रांग रूम में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 3 लेयर के अंदर सुरक्षा है। पहले लेयर के अंदर हमारी सीएफ है यानी कि पैरामिलिट्री है, दूसरे में हमारी अपनी हरियाणा पुलिस और तीसरे में हरियाणा पुलिस। 24x7 कैमरेज के अंदर लोग के सामने लोग लगा हुआ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट, कोई भी पत्रकार और छायाकार बंधु कभी भी रात को किसी भी टाइम जाके उसको चेक कर सकता है, उस कैमरे की पिक ले सकता है, उसकी वीडियो बना सकता है, लेकिन एक दायरे से बाद जहाँ तक LED लगी हुई है सिर्फ।